तकनीकी के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। सेमिकॉन इंडिया 2024 की शुरुआत ग्रेटर नोएडा में यहाँ एक्सपो मार्ट से हो चुकी है और जिस तरीके से 26 देशों के तमाम इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसके जरिए यहाँ पर आपको बता दें कि चिप टेक्नोलॉजी और सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके जो बनाने के पार्ट्स होते हैं या और जो तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं उनको लेकर के यहाँ पर लगातार अब 3 दिनों तक यहाँ पर मंथन हो रहा है। कई सेमिनार्स का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और आपको बता दें कि 3 दिनों तक ये सेमिकॉन इंडिया 2000 चलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि उत्तर प्रदेश द पायनियरिंग ऑफ द फ्यूचर ऑफ सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, यानी कि कहीं ना कहीं सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के क्षेत्र पे अभी तक हमें जिन देशों पर, चाहे चीन की बात हो चाहे और देशों पर, जो निर्भर रहना पड़ता था या टेक्नोलॉजी को लेकर के बाकी देशों से चीज़ों को यहाँ पर मंगाना पड़ता था, अब भारत ने इस दिशा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है और वो सारी चिप टेक्नोलॉजी या तमाम जो सेमी कंडक्टर की चीज़ें जो ज़रूरत होती है, जो सामान की ज़रूरत होती है, उनको अब भारत अपने यहाँ पर ही बनाएगा, जिसका आने वाले 2 से 5 सालों में एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एक बड़ा असर दिखाई देगा इस पूरी इंडस्ट्री पे। लेकिन 2022 से पहले उनका कहना है कि इस दिशा में उतने प्रयास नहीं हुए थे या उस दिशा में उस तरीके से काम नहीं हुआ था। जब से सेमिकॉन इंडिया 2024 में यहाँ पर इतने लोग जुटे हुए हैं और जो उनका पॉजिटिव अप्रोच है इस दिशा में, ऐसे में यहाँ से एक बड़ा मील का पत्थर भारत साबित करने जा रहा है और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत करके सबके मनोबल को बढ़ा दिया है। कैमरामैन चंदन के साथ अनुपम मिश्रा, सेमिकॉन इंडिया, ग्रेटर नोएडा।